असल स्टूडेंट्स कम अप एट पेज सिक्सटी सिक्स मौलाना मोहम्मद अली जौहर एटीन सेवेंटी एट टू नाइनटीन थर्टी वन लेट्स स्टार्ट रीड मौलाना मोहम्मद अली जौहर वाज अ रॉइटर एंड अ करजियस जर्नलिस्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो थे वो एक राइटर थे और एक ज़रतमंदाफ़ी थे करजियस जुरतमंद जर्नलिस्ट सहाफ़ी वो एक राइटर थे और एक जरतमंदाफ़ी थे जस्ट बिफोर वर्ल्ड वार वन 1940 फोर्टी टू एटीन ही स्टार्टेड फ़ेमस वीकली मैगजीन कार्ड कॉमरेड वर्ल्ड वार वन के से पहले उन्नीस सौ से लेकर उन्नीस सौ तक ही स्टार्टेड अ फेमस वीकली मैगज़ीन आपने एक मशहूर हफ्तावर मैगज़ीन जो है वो स्टार्ट किया कार्ल कॉमरेड जिसको कॉमरेड कहते थे टू अवेकन मुस्लिम्स पोलिटिकली मुसलमानों को सियासी तौर पर बेदार करने के लिए आपने आ, जो है मुसलमानों को सियासी तौर पर जगाने के लिए कॉमरेड नाम का एक मैगज़ीन जो है वो शाया किया स्टार्ट किया इन नाइनटीन फिफ्टीन ही पब्लिश्ड एन आर्टिकल विच सेड द तुर्कस राइट टू फाइट द ब्रिटिश इन नाइनटीन फिफ्टीन उन्नीस सौ पंद्रह में आपने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें आपने कहा द तुर्क वर राइट टू फाइट द ब्रिटिश के तुर्क जो हैं वो ब्रिटिश से जंग करने में बिल्कुल ठीक हैं दुरुस्त हैं ठीक है इट वॉज़ अ रिलेटिवली हार्मलेस आर्टिकल नस्बता ये आर्टिकल बहुत ही हार्मेस था यानी कि बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं था बट द ब्रिटिश वर फ्यूरियस लेकिन ब्रिटिश जो थे अंग्रेज जो थे वो मुश्तिल हो गए गज़बनाक हो गए एंड हैड हिम एम्प्रेजेंट और आपको जेल में बंद कर दिया आपको कैद कर दिया कैद में डाल दिया देवर ऑफरेड वो मुहफजदा थे दैट द मुस्लिम सोल्जर्स फाइटिंग फॉर देम इन द मिडल ईस्ट वुड ऑब्जेक्ट टू फाइटिंग फेलो मुस्लिम्स वो ब्रिटिश जो थे अंग्रेज जो थे वो इस बात से हफ्जदा थे कि जो सो, मुस्लिम सोल्जर्स हैं मुस्लिम सिपाही हैं जो मिडल ईस्ट में लड़ रहे हैं उनके लिए वो वो ऑब्जेक्ट टू फाइटिंग फेलो मुस्लिम वो अपने uh, साथी मुसलमानों के लिए लड़ना ना शुरू कर दें ऑब्जेक्ट ना करें ऑब्जेक्शन ना करें एक्चुअली बिकॉज ऑफ इनकॉम्पिटेंस ऑन द पार्ट ऑफ दियर ब्रिटिश ऑफिसर एक्चुअली uh, वो अपने uh, अंग्रेज ऑफिसर्स की नााहली की वजह से द इंडियन आर्मी हैड सफर्ड टेरेबल लॉसिस इंडियन आर्मी ने बहुत ही नुकसान उठाए खौफनाकम के नुकसान उठाए इन द वॉर अगेंस्ट द तुर्क तुर्क के खिलाफ जु उन्होंने वार की थी जंग की थी उसमें एंड वट इज़ नाउ इराक जो कि अब इराक़ में हो रही है यानी कि वो वाली वॉर जो है इंडियंस ने तुर्क के खिलाफ जो वॉर कर रहे थे उसमें ब्रिटिश ऑफिसर्स की नाहली की वजह से उनको जो है खौफनाक टेरिबल लॉसेस जो खौफनाक नतज जो है वो बर्दाश्त करने पड़े इन व्हाट इज़ नाउ इराक़ जो कि अब uh, अब इराक़ में हो रहा है इन पर्टिकुलर खास तौर पर इन द बैटल फार कोट कोट की जो बैटल थी बैटल कोट uh, की जो जंग थी उसमें सम्स थाउजेंड सोल्जर्स इंक्लूडिंग मुस्लिम्स वर कैप्चर्ड बाय द तुर्क कुछ सिक्स uh, थाउजेंड सिपाही जो थे जिसमें मुसलमान भी थे वर कैप्चर्ड बाय द तुर्क तुर्कों के ने उनको गिरफ्तार कर लिया अब दो जन में से ओनली वन थाउजेंड द ब्रूटल ट्रीटमेंट गिवन बाय देयर कैप्टर्स उनको कैद करने वाले लोगों के ब्रूटल ट्रीटमेंट जालमाना सलूक की वजह से ओनली वन थाउजेंड सरवाइव सिर्फ एक हज़ार ही बच सके यानी कि तुर्क जो थे उन्होंने मुसलमानों सिक्स थाउजेंड सोल्जर्स जो थे उन जिनमें मुसलमान भी शामिल थे उनको कैप्चर कर लिया उनको गिरफ़्तार कर लिया और उनमें से सिर्फ वन थाउजेंड जो थे उन अगवा करने वालों के जालमाना रवैये की वजह से उन उनमें से सिर्फ़ वन थाउजेंड ही बच सके मौलाना जौहर वाज़ रिलीज इन 1919 मौलाना मोहम्मद अली जौहर को 1919 में रिलीज़ रिहा किया गया ही देन स्टार्टेड अ न्यू मैगजीन इन उर्दू फिर उन्होंने उर्दू में एक नया मैगजीन जो है वो स्टार्ट किया हमदर्द जिसका नाम के हमदर्द था हमदर्द के नाम से उन्होंने एक नया मैगजीन शुरू कर दिया विच ट्राइड टू गिव मुस्लिम्स पॉलिटिकल एजुकेशन जिसका मकसद था जिसकी कोशिश यह थी कि मुसलमानों को पॉलिटिकल एजुकेशन देना सियासी तालीम देना ही सपोर्टेड द खिलाफत मूवमेंट उन्होंने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया विच होप दैट सम पीसफुल एग्रीमेंट्स बी रीच्ड बिटवीन मुस्लिम्स एंड हिंदूज इसका मकसद ये था के कुछ अमन के माहदे जो हैं हिंदू और मुसलमानों के दरियान जो हैं वो किए जा सके इन नाइनटीन थर्टी उन्नीस सौ तीस में ही अटेंडेड द फ़र्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंडन विद मिसटर जनाह नाइनटीन थर्टी में आपने महमद अली जनाह इनके कायद महमदी जनाह के साथ लंदन में एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस जो है वो अटेंड की बट वॉज़ वेरी सिख लेकिन आप बहुत बीमार थे एंड डाइड द फॉलोइंग ईयर इन लंदन और इसी साल जो है वो लंदन में आपकी डेथ हो गई आपकी वफात हो गई ड्यूरिंग हिज इलनेस आपने अपनी बीमारी के दौरान ही हैड विल्ड आपकी ये ख्वाहिश थी दैट ही बी बुरिड इन बैतुलमक़द्दस जैरूशलम Uh, कि आप जो है उन आ, उनको बैतुलमक़दस में दफन किया जाए यानी कि अपनी बीमारी के दौरान आपकी विल ये थी आपकी ख्वाहिश ये थी कि आपको बैतुलमक़दस में जो है वो दफ़न किया जाए फार ही डिड नाट वॉन्ट टू रिटर्न टू अ स्लेव कंट्री क्योंकि वो दोबारा से एक ग़ुलाम मुल्क में नहीं जाना चाहते थे ई वॉज़ बुरड देर अकॉर्डिंगली आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है आपको वहीं पर दफन किया गया स्टूडेंट यू कैन सी अ पिक्चर गिवन ऑन दिस पेज मौलाना मोहम्मद अली जौहर एंड हिज़ ब्रदर मौलाना शौकत अली ओके यर इज़ एन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू लेट्स स्टार्ट रीड मौलाना मोहम्मद अली एंड हिज़ ब्रदर मौलाना शौकत अली हैल्प टू लॉन्च द खिलाफत मूवमेंट इन दोनों ने यानी कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने और मौलाना शौकत अली जौहर ने खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च करने में मदद की हेयर मौलाना मोहम्मद अली लेफ्ट इज सीन विद अ सपोर्टर ऑफ द मूवमेंट एक मूवमेंट इस तहरीक सपोर्टर के साथ जो है वो दिखाई दे रहे हैं बोध आर बेस्ट इन टर्किश यूनिफॉर्म दोनों ने टर्कश यूनिफॉर्म जो है वो वेयर कर रखा है एंड अदर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इज़ गि दिस पेज द खिलाफत मूवमेंट नाइनटीन नाइनटी नाइन टी फोरटीन ट्वेंटी फोर वॉज लॉन्चड बाई द मुस्लिम ऑफ साउथ एशिया साउथ एशिया के मुसलमानों ने जो लॉन्च की खिलाफत मूवमेंट उन्नीस सौ उन्नीस से लेकर उन्नीस सौ चौबीस तक टू इंफ्लुएंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट दम्पायर आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन एंड टू री स्टोर द पोजिशन ऑफ द रूलर एज कैलिदर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इज गिवन एट द एंड नो डिस्कशन ऑफ़ अली ब्रदर्स विल बी कम्प्लीट विदाउट मैंशनिंग देयर मदर कोई डिस्कशन जो है वो म, म, अली ब्रदरान की कम्प्लीट नहीं होती जब तक उनकी अ, मदर का जो है वह तस्करा ना किया जाए नोन एज बी अम्मा जिनको बी अम्मा के नाम से पुकारा जाता है या बीम् माँ के नाम से जो मशहूर थीं शी वॉज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द अली ब्रदर्स बट Was herself active in politics. She was also a poetess. Come up at page 68, Alama Iqbal 1877 till 1938. Alama Iqbal was the great poet and philosopher who, perhaps more than any other single person apart from M.A. Muhammad Ali Jinnah, was responsible for the state of Pakistan. लामा इकबाल जो थे वो एक अज़ीम पोइट और फ़िलासफ़र थे मुफ्कर और जो है फलसफ़ी और शायर थे वो हैव्स मोर दैन एनी अदर सिंगल पर्सन अपार्ट फ्राम मोहम्मद अली जिना जो कि मोहम्मद अली जिना के साथ साथ एक वही सिंगल पर्सन थे जो रिस्पॉन्सिबल थे पाकिस्तान एज़ आ स्टेट जो है उसको बनाने के यानी कि पाकिस्तान की रियासत के लिए मोहम्मद जिनाह के साथ साथ इकबाल ही एक ऐसे सिंगल पर्सन थे जो इसके रिस्पांसिबल थे ज़िम्मेदार थे ही वॉज अ ब्रिलियन स्कॉलर स्टडिंग फ़िलासफ़ी एंड लॉ इन इंग्लैंड वो एक ब्रिलियंट स्कॉलर थे जहीन स्कॉलर थे स्टडिंग फ़िलासफ़ी फ़िलासफ़ी पढ़ते थे एंड फ़िलासफ़ी फ़लसफ़ा और ला की तालीम जो है वो इंग्लैंड में हासिल कर रहे थे एंड दैन इन जर्मनी और उसके बाद फिर जर्मनी में हासिल की बैक इन इंडिया उसके बाद इंडिया आ गए ही प्रैक्टिस ला आपने ला की प्रैक्टिस करना शुरू कर दी वकालत शुरू कर दी एंड बिकेम द ग्रेटेस्ट उर्दू पोइट ऑफ हिज एज और अपनी एज के अपने इस दौर के बहुत अजीम शायर उर्दू के अजीम शायर बन गए लेटर हिज पोइट्री बिकेम अ वे ऑफ पुटिंग फॉरवर्ड ही रिलीजियस एंड पोलिटिकल आइडियाज़ इसके बाद आपकी पोइट्री जो है आपके मजहबी और सियासी ख़यालत को आगे फॉरवर्ड करने का या जरिया बन गई आगे पहुंचाने का जरिया दूसरों तक पहुंचाने का जरिया बन गई मच ऑफ हिज दिस पोइट्री वाज रिटन इन पर्शियन आपकी ज़्यादातर पोइटरी शायरी जो है वो फ़ारसी ज़बान में लिखी गई है सो दैट इट वुड बी अ वाइडली अंडरस्टूड थ्रू आउट द मुस्लिम वर्ल्ड इसलिए वो मुस्लिम दुनिया में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड की जाती है एज अर्ली एज़ नाइनटीन टेन इकबाल थाट डेट द मुस्लिम वर्ल्ड शुड भी यूनाइट उन्नीस सौ दस तक या उन्नीस सौ दस से पहले तक इकबाल जो है उनकी सोच ये थी कि मुस्लिम वर्ल्ड मुस्लिम वर्ल्ड शुड भी यूनाइट की मुस्लिम दुनिया को मुतहद होना चाहिए इकट्ठा होना चाहिए हिज़ पोइम्स पॉइंट टू द गोरीज ऑफ इस्लाम आपकी पोइम्स जो हैं आपकी नज़में जो हैं वो इस्लाम की जो चमक को इन द पास्ट माजी में इस्लाम की चमक को पॉइंट आउट करती हैं या शो करती हैं एंड दम एंड द मिज़रेबल स्टेट इट वॉज़ इन ऐट द टाइम और अब और इस वक्त की जो मिज़रेबल स्टेट है इस वक्त की जो दुखी रियासत है उसको भी पॉइंट करती हैं ठीक है ही कॉल्ड फॉर रिफॉर्म्स आपने असलाहत के लिए कहा एंड सैड और यह कहा देट टू बी अ गुड मुस्लिम एक अच्छे मुसलमान की हैसियत से वाज नाट जस्ट कि एक अच्छा मुसलमान ऐसा नहीं होता वाज नाट जस्ट टू सिट थिंकिंग वो सोचता रहे बैठ के सोचता रहे एंड मेडिटेटिंग uh, और गौर करता रहे अबाउट रिलीजन मजहब के बारे में यानी कि उनके अकॉर्डिंग एक अच्छा मुसलमान वो नहीं जो बैठ के सिर्फ़ मजहब के बारे में गौर करता रहे और सोचता रहे बट टू बी एक्टिव लेकिन एक्टिव होना चाहिए होशियार होना चाहिए एंड डू समथिंग पॉजिटिव अबाउट इट और इसके बारे में कुछ अच्छा करना चाहिए कुछ पॉजिटिव करना चाहिए ही जॉइन द मुस्लिम लीग इन नाइनटीन ट्वेंटी सेवन उन्नीस सौ सत्ताईस में आपने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया वेन इट हैड ओनली वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी मेम्बर जब इसके पास एक हज़ार तीन सौ तीस मम्बर थे मुस्लिम लीग के पास जब सिर्फ तेरह सौ तीस मंबर थे तो तब आपने नाइनटीन ट्वेंटी सेवन को मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया एज़ चेयरमैन ऑफ़ द एनअल मीटिंग एट अलाहाबाद इन 1930 1930 में जो अलाहाबाद का सालाना इजलास हुआ उसके चेयरमैन की हैसियत से ही पुट फॉरवर्ड हिज ड्रीम ऑफ एन इंडिपेंडेंट एंड लिबरल इस्लामिक स्टेट उसमें आपने क्या किया कि आपने जो है एक आज़ाद लिबरल इस्लामिक स्टेट एक आज़ाद रियासत इंडिपेंडेंट ख़ुद मुख्तार और आज़ाद रियासत का जो ख्वाब है वो पेश किया कम्प्राइजिंग द एन डब्ल्यू एफ ई पंजाब सिंध एंड बलोचिस्तान जो कि पंजाब सिंध बलोचि और खैबर पख्तूनख्वा पर मुश्तमिल था वैन द ब्रिटिश लेफ्ट द सब कॉन्टीनेंट जब ब्रिटिश जो हैं अंग्रेज़ जो हैं बरे सगर को छोड़ देंगे तो यानी कि इकबाल ने अपने उन्नीस सौ तीस में जब आ, जो सालाना इजलास हुआ अलाबाद में उसके चेयरमैन की हिस्से से आपने आ, इस्लामिक स्टेट एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इस्लामिक स्टेट का जो अपना ख़्वाब था वो पेश किया जो कि उस वक्त मुमकिन था जब बरे में से अंग्रेज़ जो हैं वो चले जाएंगे जब बरेसगिर व्हेन द ब्रिटिश लेफ्ट द सब कॉर्नर जब बरे को छोड़ देंगे अंग्रेज़ दिस इलाहाबाद स्टेटमेंट वाज द सीड ये अलाहाबाद का में ये जो स्टेटमेंट था वो एक बीज था फ्राम विच द प्रेजेंट स्टेट ऑफ पाकिस्तान ग्रीव जिस पर आज मौजूदा पाकिस्तान की रियासत जो है जिस पर वो आ, उस फली फूली ठीक है जो पौधा पाकिस्तान का लगाया था बीज लगाया था वो फल फूल कर पाकिस्तान बन गया एट द सेम टाइम इससे इसी वक्त द अदर मुस्लिम लीडर्स वर आल्सो ट्राइंग टू वर्क आउट हाउ सम काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स विद हिंदूज कुड बी रीच्ड उसी वक्त जो है सेम टाइम पे दूसरे मुसलमान लीडर्स भी जो है वर्क वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे थे कुछ एग्रीमेंट्स हिंदुओं के साथ जो है वो करने की कोशिश कर रहे थे टू फॉर्म अ सिंगल नेशन ताकि वो एक सिंगल नेशन जो है वो क्रिएट कर सकें बना सकें इकबाल रियलाइज दैट दिस वुड ऑलवेज़ बी डोमिनेटेड बाय द हिंदूज़ के ये इकबाल हम ये रियलाइज़ करते थे ये महसूस करते थे कि ये हमेशा जो है इन पर हिंदुओं का ही गलबा रहेगा विच वुड बी अ डिज़ास्टर फॉर मुस्लिम्स जो कि मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा ही नुकसान होगा ही हैड नो आइडिया ऑफ कोर्स दैट हिज ड्रीम ऑफ अ मुस्लिम स्टेट वुड बिकम अ रियलिटी इन सेवनटीन ईयर्स उसको उनको कोई भी आइडिया नहीं था उन आ, बेशक उनका उनको कोई आइडिया नहीं था उनको कोई ख्याल नहीं था कि उनका ये ख्वाब जो है एक मुस्लिम रियासत का जो ख़्वाब है वो रियलिटी बन जाएगा सत्रह साल के बाद एक हकीकत बन जाएगा एंड इट इज़ सैड और ये बहुत ही अफसोस की बात है दैट ही डिड नाट लिव टू सी इट कि वो उसको देखने के लिए ज़िंदा नहीं थे टिल हीज़ डेथ इन 1938 ही वाज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद मिस्टर जिना अपनी डेथ तक 1938 में अपनी वफात तक वो मोहम्मद अली जिना के साथ बहुत ही करीब उन, रहे उनके उनके साथ इन टच रहे एडवाइजिंग हिम ऑन मैनी इश्यूज और उनको बहुत ज़्यादा बहुत सारे इश्यूज पर उनको एडवाइज़ करते रहे नसीहतें करते रहे डाइड इन लाहौर लामा इकबाल लाहौर में फोत्थ हुए इनकी वफा लाहौर में हुई एंड इज़ बुरीड इन द द uh, बादशाही मास्क और बादशाही uh, जो मस्जिद है उसके नवाही इलाके में आपको दफन किया गया चौधरी रहमत अली एटीन स्टूडेंट्स एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड ही क्रिएटेड द नेम फॉर अ पॉसिबल मुस्लिम स्टेट कंप्राइजिंग पाकिस्तान पंजाब अफगानिया एन डब्ली एफ़ पी कश्मीर इंडस सिंध एंड बलूचिस्तान नाइनटीन थर्टी थ्री में अपने तीन दूसरे जो स्टूडेंट्स थे अपने साथी स्टूडेंट्स उनके साथ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में जब आपका क्याम था चौधरी रहमत अली का तो आपने क्या किया ही क्रिएटेड द नेम फ़ॉर अ पॉसिबल मुस्लिम स्टेट कम्प्राइजिंग पाकिस्तान आपने जो मुमकिन मुस्लिम रियासत थी उसका नाम जो है वो पाकिस्तान रखा यानी कि पाकिस्तान का लफ्ज़ उन्होंने ये दर्ज जैल जो मुस्लिम अक्सरीत वाले इलाके थे उनको यानी कि उन जिन पे उनको यकीन था कि ये ये इलाके जो हैं पाकिस्तान में शामिल होंगे उन उनके नेम्स से लेके आपने पाकिस्तान वर्ड जो है वो क्रिएट किया जैसे पाकिस्तान में पी है पंजाब अफ़गानिया एन डब्ल्यू एफ़ पी कश्मीर इंडस आपको ये हाई वर्ड्स नज़र आ रहे होंगे जिनसे कंप्राइज़ करके उन्होंने लफ्ज़ जो है वो पाकिस्तान को क्रिएट किया चौधरी रहमत अली हैड इमेजिनड आपने इमेजिन कर लिया था अ मच लार्जर नेशन एक बहुत बड़ी कोम दैन द वन दैट इवेंचुअली इमर्ज जो के उभर कर सामने आएगी डिवाइडेड इनटू थ्री इंडिपेंडेंट पार्ट्स तीन खुद मुख्तार हिस्सों में डिवाइड हो गई बार यूनाइटेड इन एन अलायंस लेकिन मतहद होगी द नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग ईरान एंड तुर्खारस्तान नॉर्थ वेस्ट में जिसमें ईरान और हार्स्तान शामिल हैं द नॉर्थ ईस्ट कम्प्राइजिंग बंगाल एंड आसाम नॉर्थ ईस्ट जो कि बंगाल और असाम पर मुश्तमिल है एंड अ साउदर्न स्टेट नाउ हैदराबाद और एक साउदर्न स्टेट जो कि अब हैदराबाद इन इंडिया जो कि अब इंडिया में है ही वॉज स्ट्रॉगली इन फेवर ऑफ एन इंडिपेंडेंट मुस्लिम नेशन वो जो है वो एक ख़ुद मुख्तार मुस्लिम कौम की फेवर में थे उसको जो है फेवर करते थे ही वॉज़ रिवॉर्डेड इन अ वे उनको कैसे रिवॉर्ड किया गया किस तरीके से उनको रिवॉर्ड दिया गया इन 1914-1940 में व्हेन ऑल द